माजिद हैदर की बात आपने सुन ली, मैं आपसे पूछ रही हूँ जो लिस्ट चल रही है ना, ये आतंकियों के नाम आप देख रहे हैं, एक एक करके हश्र रियाज नायकू वाला ही होगा, एक एक करके जन्नत में है लेकिन जहन्नुम पहुंचेंगे, क्योंकि जन्नत को बेजार करने का हर एक काम किया है इन्होंने। बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल मैडम जी, आप मेरी बात सुनेंगे, मैडम जी बात सुने आप, मुझे पता है कि आजकल हिंदुस्तान का मीडिया जहन्नम और जन्नत का सर्टिफिकेट बांट रहा है, तो ठीक है आप बांटते रहें, लेकिन मैंने सोचा था आज ये कि आज आप डिबेट करेंगे जो कल आपकी सीआरपीएफ की फोर्स, एक सीआरपीएफ के जवान की वजह से एक कश्मीरी नौजवान जो सिविलियंस था उसकी कीमती जान चली गई है, मैंने सोचा उसके ऊपर। सुनिए सुनिए, सर्टिफिकेट बांटने की बात जो वकार भट्टी आप कर रहे हैं ना, पहले एक मिनट सुन लीजिए, सर्टिफिकेट बांटना हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ बैठकर सुनिए, लेकिन हमारे हमारी सेना जिन 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 आतंकियों से जिन आतंकियों को ढेर करेगी ना, उनकी तस्वीरें जरूर दिखाना हमारा काम है, और आप जैसे लोग यहाँ आकर हमें बता रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप आतंकियों को सर्टिफिकेट देते हैं, एक बेगुनाह नौजवान, आप आतंकियों को क्लीन चिट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं वकार भट्टी, नौजवान की जान, आप कौन सा सर्टिफिकेट बांटते हैं, आप कौन सा सर्टिफिकेट बांटते हैं मुझे बताइए, आतंकियों को क्लीन चिट का सर्टिफिकेट बताइए, आतंकियों को क्लीन चिट का सर्टिफिकेट वकार भट्टी आप बांटेंगे, मुझे बता दीजिए पहले, मैं ललित मर्दा को लूं, उससे पहले बताइए आतंकियों को क्लीन चिट का सर्टिफिकेट कौन देता है, वकार भट्टी देते हैं, राह चलते हुए वकार भट्टी मेरा सवाल सुन रहे हैं या नहीं सुनाई दे रहा, सुर क्या था वो बोलने दीजिए, सुनाई दे रहा है, बोलने दीजिए, सुनाई दे रहा आपको, चुप करो तुम, सुनाई दे रहा आपको, वकार भट्टी क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं इन आतंकियों को जिनकी, सुनिए सुनिए उसके ऊपर बात कीजिए, मैंने आपसे पूछा, नहीं 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 मेरी बात सुनिए, ललित अंबरदार, ललित अंबरदार मारा गया है, ललित अंबरदार क्या आपको कश्मीर के ऊपर, भाई मैं ये कौन है, उसके ऊपर डिबेट कीजिए, वकार भट्टी आप सर्टिफिकेट की बातें करेंगे, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, अब कश्मीर के प्रोपेगेंडा क्या होता है सर, प्रोपेगेंडा क्या होता है, प्रोपेगेंडा वो होता है जो आप कर रहे हैं वकार भट्टी, प्रोपेगेंडा वो है जो आप करते हैं, यहाँ आकर सर्टिफिकेट बांटने की बात कर रहे हैं आप, सिख महाराजा अब बात करने के लिए तैयार नहीं है, सुनिए ये मत लीजिए, ये मत कीजिए, ये लाइनें मत, नहीं नहीं मुझे धर्म के बात, धर्म पर मत बांटिए, जिस सेना की बात कर रहे हैं ना वहाँ तो धर्म मायने नहीं है, धर्म बहुत पीछे है, आप धर्म में मत बांटिए, धर्म मत में मत बांटिए, ललित 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 अंबरदार गांधी का है, सुन लीजिए ये हमें आपसे नहीं सुनना, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ललित कर दीजिए, ये जो क्लियर कीजिए, ये जो जम्मू का, ये जो जम्मू का इस्लामिक इस्लामिस्ट है ना, ये कश्मीर को क्यों रिप्रेजेंट करा मुझे समझ नहीं आया, मैं जम्मू के डोगरा लोगों का अभिनंदन करता हूं कि पिछले 30 साल से, अरे इनको पहले चुप करने दीजिए, सुनिए मैं आपको हकीकत बनाना चाहता हूं, ये जम्मू में बैठ के कश्मीर जिहाद की वकालत करते हैं, सुनिए जम्मू कश्मीरी जिहादियों ने बहुत कोशिश की 30 साल जम्मू के अंदर अपने जहरीले नाक फैलाने की, लेकिन जम्मू के लोग जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन रहते हैं उन्होंने इनको बिल्कुल नकार दिया, जम्मू के अंदर आज की तारीख में कश्मीर जिहाद का वजूद नहीं है, लेकिन ये